नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कोर्ट मैरिज के एक ऐसे प्रोसेस के बारे में जो किसी और सिटी के बारे में है, और मैं जिस सिटी के बारे में बात करने जा रहा हूं वो पटना और बिहार है। वहां पे आप किस प्रकार से कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, यह सब कुछ प्रोसेस आप इस वीडियो में जान पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एक पहले मैंने वीडियो डाला था, उस वीडियो में मैंने बताया था कि आपको पहले टेम्पल में मैरिज करना होगा, और टेम्पल में मैरिज करने के बाद से आप बिहार में या पटना में अगर मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो वहाँ पे सेम डे में नहीं होता और प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन स्पेशल मैरिज एक्ट में ही होता है तो बहुत दिक्कत होती है। तो कुछ हमारे दर्शकों ने कहा था कि अगर हमें स्पेशल मैरिज एक्ट में ही शादी रजिस्टर्ड करानी हो तो कैसे करा सकते हैं, उसके क्या एडवांटेजेस होंगे, सब कुछ आप इस वीडियो में जान पाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो आपके लिए मैं मान के चल रहा हूँ कि आप बिल्कुल नए हैं मेरे चैनल पे और आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन करूँगा। अगर आप बिहार या पटना के रहने वाले हैं और आप लव अफेयर में हैं और आप शादी करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे बेसिक जो जरूरी है वो ये है कि लड़की की एज 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए और लड़के की एज 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए। आप डॉक्यूमेंट में चेंज करा के या डॉक्यूमेंट के साथ किसी भी प्रकार का फर्जीवाड़ा करके अगर आप शादी करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक है। दूसरा, अगर आप भाग के मंदिर में शादी करते हैं, कोर्ट में रजिस्टर्ड नहीं कराते हैं, तो उस शादी को तोड़ दिए जाने की बहुत संभावना है, क्योंकि उस शादी को कोर्ट में रजिस्टर्ड नहीं कराया गया होगा तो शादी को समाप्त किया जा सकता है पैसे और बल के द्वारा। तो ये भी ध्यान में रखिए कि केवल मंदिर की शादी पर्याप्त नहीं है एक वैलिड लव मैरिज के लिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि फिर आप अगर पटना और बिहार में ही शादी करना चाहते हैं, आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि आप बिहार से बाहर जाकर के जैसे दिल्ली, गाजियाबाद, मुंबई या चंडीगढ़ आकर के आप शादी करना चाहते हैं, अगर वहां पर आप आ नहीं सकते हैं तो किस प्रकार से करेंगे। और अगर आप मंदिर में भी नहीं करना चाहते हैं और केवल मैरिज कोर्ट में जाके करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, एक तो ये भी। और एक और चीज कि ऐसे लोग जिन्होंने शादी पहले से कर रखी है, अरेंज तरीके से उनकी शादी हुई है, अगर उनको भी अपने मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराना है तो वो कैसे करा सकते हैं, ये सब कुछ आप इस वीडियो में आगे देख पाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं उनकी बात करने जा रहा हूं कि जिनकी शादी अरेंज तरीके से हो चुकी है और आपको अगर मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप बिहार पटना में मैरिज का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। समय उसमें 30 दिन का लगता है, 30 दिन में आपके मैरिज का रजिस्ट्रेशन होगा और आपका भी मैरिज का रजिस्ट्रेशन जो होगा वो स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू होगा। चूंकि आपकी अरेंज मैरिज हुई है तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, उसमें 3 गवाह लगेंगे और आपकी शादी रजिस्टर्ड हो जाएगी। ये हो गया जिनको केवल मैरिज रजिस्टर्ड कराना है। अब आता है एक दूसरा सवाल, खासतौर से उस कपल के लिए जो शादीशुदा नहीं है और स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू शादी उसको करना है। तो अब आपके मन में एक सवाल होगा कि स्पेशल मैरिज एक्ट होता क्या है। स्पेशल मैरिज एक्ट वो एक्ट है जिसके माध्यम से दो धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अगर बालिग हैं, उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है, तो वो कोर्ट के सामने जाते हैं और शादी कर लेते हैं। और वो शादी बहुत ही ज़्यादा वैलिड होता है, लीगल होता है, क्योंकि वो कोर्ट में हुआ होता है, मैरिज रजिस्ट्रार के सामने हुआ होता है और उसका जो सर्टिफिकेट होता है वो ऑल ओवर इंडिया मान्य होता है। तो अगर आप बिहार में कहीं भी रहने वाले हैं और आप अगर सोचते हैं कि आपको पटना से शादी करनी है, तो आपको सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपकी एज पूरी होनी चाहिए और आपके पास बर्थ प्रूफ के तौर पे आपके पास आपका 10th की मार्कशीट हो या बर्थ सर्टिफिकेट हो या आपके पास जो रेजिडेंस प्रूफ के लिए आपके पास आधार कार्ड हो और एक कोई आईडी हो। ये डॉक्यूमेंट, यानी 3 डॉक्यूमेंट मैंने बताया, दोनों के पास होना चाहिए, 6-6 फोटोग्राफ्स होना चाहिए और 3 गवाह होना चाहिए। ये जब आपके पास होगा तो सबसे पहला काम ये होता है कि आपकी शादी के लिए मैरिज रजिस्ट्रार के पास में अप्लाई किया जाता है। मैरिज रजिस्ट्रार के पास अप्लाई करने वाले दिन आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आप डॉक्यूमेंट को साइन करके कुरियर से भी भेज सकते हैं, आप बिना आए हुए भी ये काम हो सकता है। तो आपको अप्लाई करने वाले दिन केवल डॉक्यूमेंट भेजना होता है। उसके बाद से 30 दिन के बाद, 30 दिन जब पूरा हो जाएगा तो 31वें दिन आपको आना होता है अपने पार्टनर के साथ में, 3 गवाहों के साथ में और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के। उस दिन आपका मैरिज रजिस्टर्ड हो जाता है और वो सर्टिफिकेट आपको हैंड टू हैंड मिल जाता है। तो ये प्रोसेस होता है और ये जो प्रोसेस होता है वो स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू होता है।
तो मैंने आपको मोटा मोटा प्रोसेस आपको बता दिया है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 नंबर है, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। जो भी इंक्वायरी करनी हो आप इसके बारे में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारी वेबसाइट पर भी जाना चाहते हैं तो leadindia.law है वेबसाइट का नाम, उस पर भी विजिट कर सकते हैं। ईमेल करना हो तो care@leadindia.law पर ईमेल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया कि ये जो शादी हुई ये आपकी स्पेशल मैरिज एक्ट में हुई, अलग अलग धर्म के लोग या अलग अलग जाति के लोगों ने स्पेशल मैरिज एक्ट में जाकर शादी कर लिया। अब आपके मन में प्रश्न ये है कि पटना में करें या बिहार से निकलें और दिल्ली से करें, गाजियाबाद से करें। अगर आप दिल्ली से या गाजियाबाद से करते हैं तो स्वाभाविक तौर से उसमें आपको समय ज़्यादा लगता है। क्यों ज़्यादा लगेगा? अगर आप पटना के रहने वाले हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं कि आप दिल्ली आ जाएं और दिल्ली में आकर के आपको रात को बैठेंगे, सुबह में आ जाएंगे या फ्लाइट से आएंगे, तो आपको किसी तरीके से मतलब 48 घंटे तक का समय लग जाएगा अगर आप यहाँ पे आके करते हैं तो। लेकिन इसका फ़ायदा भी है। फ़ायदा इसका क्या है कि आप बिहार से हटके कर रहे हैं तो पकड़े जाने का कोई डर नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आप आराम से आए, यहाँ पे अपनी शादी कर लिया, सर्टिफिकेट मिल गया, आराम से चले गए। लेकिन अगर आप पटना में ही करना चाहते हैं तो एक तरीके से मानिए तो ये सेम डे ही हो रहा है। आपने अप्लाई किया, उसके लिए आपको आना नहीं पड़ा। दूसरा, जिस दिन होना है उस दिन आपको पटना पहुंचना है और 3-4 घंटे 5 घंटे का काम है, वो काम हुआ आप वापस अपने घर आ गए। तो पटना में अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट में करना चाहते हैं तो आप समझिए एक ही दिन हो रहा है। हाँ, उसके लिए 30 दिन पहले अप्लाई किया जा रहा है, ये जरूर है फैक्ट। तो इसके बारे में डिटेल आप हेल्पलाइन नंबर पर ले लीजिए और अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन हो, कुछ और तरीके से आप जानना चाहते हो तो कमेंट में पूछिए। मैं यह भी बता दूं कि हिंदू मुस्लिम भी शादी कर सकते हैं, दो धर्म के लोग भी कर सकते हैं, इवन आप ऑल इंडिया में कहीं के भी रहने वाले क्यों नहीं हो वो भी जाके कर सकते हैं। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप बिहार के रहने वाले हैं तभी आप पटना में करें, बाकी जगह के अगर आप रहने वाले हैं तो आप दिल्ली, गाजियाबाद या मुंबई, इसको आप ऑप्ट कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये बिहार के लोगों के लिए, बाकी लोगों के लिए भी इस वीडियो से बहुत लाभ मिला होगा, बहुत समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो मिले। केवल कोर्ट मैरिज से रिलेटेड नहीं, और भी सब्जेक्ट्स पे लीगल वीडियो जो होते हैं वो भी आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।